रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। जब से रायगढ़ जिले के मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है, तब से स्टेशन के सामने लोगों के द्वारा रेलवे विभाग जमीन को कब्जा किए गए और रेलवे स्थान को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से मुनिगुड़ा धोबा साही से शहीद लक्ष्मण नाइक ट्राइकोन स्ट्रीट तक के सुपरमार्केट को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। इस क्षेत्र में सैकड़ों दुकानदार कई वर्षों से दुकानें बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारी से इसे कुछ और दिनों के लिए स्थगित करने का विरोध किया। बता दें 9 दिसंबर 2023 की सुबह रेलवे विभाग द्वारा बेदखली की प्रक्रिया शुरू किए जाने के कारण घटना स्थल पर थोड़ी परेशानी हुई। जिलापाल ने अधिक्रमण इलाकों पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की और उनसे बेदखली की प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया। रेलवे विभाग के अनुसार अनंत 29 दुकानों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया और शेष दुकानों को एक महीने के अंत तक ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। मुनिगुड़ा की ओर से तहसीलदार एम अनुराधा, रेलवे विभाग की ओर से संबलपुर मंडल के डीएम राजू मीना, सुरक्षा की ओर से विषम कटक के SDPO संतोषनी ओरम, मुनिगुड़ा के इंस्पेक्टर नूरम मीना, सभी पुलिस प्रशासन, RPF सुरक्षा आयुक्त मुकेश कुमार, RPF MS मीना, GIRP सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और रेलवे विभाग पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था।